Hello, welcome to yet another YouTube live session. Welcome, 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 everybody. Well, आज क्या है? आज वापस से मेरा व्यू बताऊंगा, ट्रेड्स बताऊंगा मैंने जो किए हैं. HDFC Life वॉज वन ऑफ देम. इट्स अ डिसाइसिव ब्रेकआउट इट सीम्स. HDFC Life है, रिलायंस लगता है कि ब्रेकआउट कर सकता है. RBL बैंक भी ऊपर आ चुका है जहां पे मुझे शॉर्ट करने की इच्छा है, और ICICI बैंक इज व्हाट आई एम लॉन्ग. सो बैंक निफ्टी के कुछ बुलिश ट्रेड्स किए मैंने, पुट्स भी बेचे, कॉल्स लिए थे लास्ट, इनफैक्ट मंडे से, लास्ट फ्राइडे से भी थोड़े बुलिश हो गए थे कि फ्राइडे के बाद, और मंडे को बहुत ही बढ़िया मूव मिली बैंक निफ्टी में. मंडे ट्यूजडे वी हैव बीन लॉन्ग, एंड भारतीय एयरटेल इज अनदर वन. यू नो, भारतीय एयरटेल में बहुत ही बढ़िया ट्रेड रहा. आइडिया का मिस हुआ बट भारती का हुआ. आइडिया का भी है बट थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं, बट आई थिंक भारती वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट फॉर मी इन दिस वीक. सो ये वीक में भारती, HDFC लाइफ, रिलायंस टू सर्टन एक्सटेंट एंड बैंक निफ्टी, ये मेरे खास ट्रेड्स है. और RBL बैंक मैंने शॉर्ट किया है थोड़ा, और सोच रहा हूँ कि थोड़ा कंफर्मेशन मिले तो शॉर्ट करूंगा, बट अदरवाइज एवरीथिंग यू नो स्टिल लुक्स लाइक अ फिफ्थ वेव बट नॉट एंड ऑफ इट. हैवल्स फॉर दैट मैटर, हैवल्स हैज गॉन अप बिग टाइम, बट अगेन इट लुक्स लाइक पार्टी गोइंग इन द फाइनल स्टेज. बट जब तक चल रही है तब तक चलने चलने दो, तब तक मजे कर लो. ओके ओके, सो लेट्स सी क्या देख सकते हैं आज. आज बहुत ही एक बढ़िया सवाल है किसी का, और वो पहले मैं शेयर करना चाहूंगा, और वो है विच इज करेक्ट मेंटेलिटी इन ट्रेडिंग. नेवर फाइंड अ रीजन टू एंटर अ ट्रेड, ऑलवेज फाइंड अ रीजन टू रिजेक्ट इट, एंड इफ यू डोंट फाइंड एनी रीजन टू रिजेक्ट देन ओनली एंटर, और फाइंड वन रीजन टू एंटर. सी इट इज नॉट एज इजी एज फाइंडिंग सम टेक्निकल रीजन्स. यू नो दिट इज 70% साइकोलॉजी. सवाल ये है कि क्या प्रॉपर मेंटेलिटी है. जरा हिंदी में बताता हूँ सवाल, कि क्या वन शुड फाइंड वन रीजन टू एंटर, और एक भी रीजन है रिजेक्ट करने के लिए तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए, और रिजेक्ट करने के लिए एक भी रीजन ना हो तो ट्रेड लेना चाहिए. बहुत बढ़िया, वही होता है बिकॉज दिस इज हाउ वी टीच. बट माइंड माइंड तो अलग अलग रीजंस ढूंढेगा ट्रेड लेने के लिए और ट्रेड नहीं लेने के लिए. ओके, सो इट इज नॉट एज सिंपल एज वन में से कि अरे हाँ, फाइंड अ रीजन नॉट टू रिजेक्ट, एंड इफ देर इज नो रीजन टू रिजेक्ट देन यू एंटर द ट्रेड. ओके, आई थिंक ऑब्वियसली यू मस्ट हैव अ सिस्टम, अ ट्रेडिंग सिस्टम विच अलाउज यू टू टेक अ डिसीजन. ओके, एक डिसीजन लेने के लिए हमारे पास कोई एक सिस्टम होनी चाहिए. ओके, और वो सिस्टम कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है, जस्ट एक स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहा हूँ जिसमें मनी मैनेजमेंट के रूल्स आते हैं. ओके, मतलब हमें बहुत अच्छा बाय लग रहा है लेकिन मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड में नहीं बैठ रहा है तो नहीं लेना है. मेरे टारगेट से मेरा रिस्क ज्यादा है या उतना टारगेट ज्यादा नहीं है जितना रिस्क है तो नहीं लेना है. यानी यू मस्ट हैव अ ओवरऑल होलिस्टिक सिस्टम विच गिव्स यू रीजन टू एंटर एंड रीजन टू एग्जिट. ओके, एंड इट गिव्स यू इट फिट्स इनटू प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट, ऐसा नहीं है कि हाँ चलो बाय दिख रहा है इसलिए बाय कर लो. चलो हम देखते हैं कि आज मैंने HDFC लाइफ में पिरामिडिंग की थी. अब ये पिरामिडिंग क्या और कैसे की थी मैं बताता हूँ. ओके, HDFC लाइफ का चार्ट खोलूंगा मैं, और लेट मी जस्ट ओपन माय चार्ट्स बिकॉज आई जस्ट री लॉग्ड इन. टेम्पलेट्स कहाँ है भाई? हाँ यस, दैट्स HDFC लाइफ फॉर यू, जस्ट होल्ड ऑन. ओके, नाउ दिस इज RBL बैंक. मुझे लगता है ये 175 का एक हर्डल लेगा RBL बैंक, बट या HDFC. अच्छा, मैंने HDFC बैंक खोल लिया, HDFC लाइफ की बात कर रहा था. सो दिस इज वन स्टॉक विच आई हैव बॉट. इनफैक्ट आई हैव बीन बाइंग इट फॉर लास्ट कपल ऑफ मंथ्स. यू नो जुलाई से मैं बाइंग कर रहा हूँ बिकॉज देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. तो मैंने पुट्स पहले बेचे थे, ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट था और एक एक रेंज थी
बहुत दिन से एक रेंज थी, आज उस रेंज का उसने एक ब्रेकआउट कर लिया, यू नो। तो मैं अगर आपको ये दिखाऊं, एक मिनट, ये देखो ये कल तक का है, ऑब्वियसली इसके बाद भी मैंने पिरामिडिंग किया था, इस कैंडल के बाद। यहाँ पे मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी निकाला था, ये हमने ट्रेड हमारे सेशन में भी कवर हुआ था। तो देखिए ये पहले से डाला हुआ है, हमारा सेशन हुआ था रिवीजन सेशन वगैरह, तो उसमें मैंने इसके जिक्र किया था एक बार कि ये लॉन्ग है, कि एचडीएफसी लाइफ इज अ लॉन्ग, और यहाँ पे स्टॉप लॉस ये था। अब मैं अवरली में जाके दिखाता हूं, तो ये चार्ट था ऐसे, और एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट हुआ था इस रेंज का। ओके, तो मैंने कहा था कि भैया यहाँ एंटर करो, ये एक स्टॉप लॉस है, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस है छोटा सा, और पहला टारगेट ये है, पहला टारगेट ये है, ये रेजिस्टेंस। सो बस ऐसा था, और नेक्स्ट डे मैंने बाय कर लिया था, पिरामिडिंग किया था, बेसिकली पिरामिड किया था, मतलब क्या? और यहाँ भी बॉटम से भी बाइंग कर रहा हूँ, पिरामिड मतलब पहले से बाय किया हुआ है और बाद में तुम ऐड कर। सो पिरामिड यानी ऐसा स्टॉक जो अच्छा कर रहा है तुम्हारे लिए, उसमें ऐड करो। तो जैसे जैसे दूसरे दिन ऐसे गैप अप हुआ और बाइंग आई, तो क्लियर था, एंट्री भी मिल गई थी। फिर उसके बाद मतलब ये जो एंट्री थी, इसके बाद ये स्टॉप लॉस था, और उसके बाद उसने ये रेजिस्टेंस भी तोड़ा। ये तो एक डिसाइसिव मूव है। अब क्या है, अब तो रुकना है क्योंकि वहां से एक रेजिस्टेंस आ रहा है। अब उसके बाद और ऐड किया गया, आज आज मैंने ऐड किया सुबह सुबह, मैं ट्रेड भी दिखा दूंगा आपको। HDFC लाइफ, या मैंने करीब 10 लॉट बाय किए 740 में, और उसके टाइमिंग भी दिखा दूंगा मैं, 9:39। ठीक, तो जैसे ही पहले 15 मिनट खत्म हुए, तो यहां पर रीजन तो था, और रीजन एक ही नहीं, बहुत सारे थे। ओके, इस कैंडल के बाद, ये 9:30 को कैंडल खत्म हुई, उसके इस कैंडल में मैंने एंट्री ले ली। ओके, सो यू कैन सी द टाइमिंग, 9:39। ओके, सो 9:30 की जो 15 मिनट की कैंडल प्रिंट हो रही है, उसमें मैंने एंट्री दी है 7:40 में। ओके, क्यों? क्योंकि ये ब्रेकआउट था। अब यहाँ पे थर्ड वेव्स है, यू नो एलियट वेव अप्लाई किया गया है, प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स कुछ अप्लाई किए गए हैं, हमारे एसएमएम के कुछ कॉन्सेप्ट्स अप्लाई किए गए, तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ऐसे नहीं किया कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ इसलिए ले लिया। सो इट्स नॉट ओनली वन रीजन फॉर बाइंग। अलॉन्ग विद दैट, आई न्यू दैट माई स्टॉप लॉस इज बिलो दिस। ओके, तो मेरा स्टॉप लॉस करीब करीब, मतलब मैंने 15 मिनट, लेट मी शो यू 15 मिनट चार्ट, ये जो है 9:50, 9:30, इस कैंडल में मैंने बाय किया, 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, इस कैंडल में बाय किया है। फ्यूचर्स का चार्ट, मेरा फ्यूचर्स का एंट्री है, ये स्पॉट का चार्ट है, और मेरी एंट्री जो है वो फ्यूचर्स की है। मैंने बहुत सारे एंट्रीज रखे थे, उसमें से सिर्फ एक ही बाय हो गई 7:40, फिर ये एंड में कैंसिल हो गए। बहुत सारे ऑर्डर्स थे मेरे, 3 ऑर्डर्स थे, और 36, 34, 32, ऐसे 3 ऑर्डर्स मैंने रखे थे ताकि डिप मिले तो बाय करूंगा, लेकिन डिप नहीं मिली, तो एक ऑर्डर तो मिल गई, यानी मैंने जो चाहा था उसमें से एक ऑर्डर आ गई, बाकी के नहीं आए क्योंकि उसके बाद डिप ही नहीं आई। ओके, सो बस एक ही रीजन नहीं था, बहुत सारे रीजन्स है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कुछ होना चाहिए, तो वो है रिस्क मैनेजमेंट। ओके, एवरीथिंग मस्ट फिट इन टू योर रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट के रूल्स, कि हमारे मेरे पास इतना पैसा है तो उसको मैं कैसे यूज करूं, कैसे डिवाइड करूं, इस पैसे को कहां कहां लगाओ। ओके, मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को कहता हूं कि हर एक रुपया तुम्हारा सोल्जर है, सिपाही है, उसको दांव पे लगाने के पहले बहुत बार सोचो। ओके, तो क्योंकि हम वॉर पे जाते हैं,
मार्केट में एंटर करें माने यानी वॉर पे जा रहे हैं। हाँ अभी यहाँ पर ये हो सकता है कि कोई एक पिछला ट्रेड जो ऐसे ही तुमने लेने की कोशिश की और वह नहीं चला, ओके, तो आपका मन में डाउट होने का बहुत सारा चांसेस है, अरे यार ये चलेगा कि नहीं चलेगा, चाहे ब्रेकआउट ऐसा तो नहीं है, ये फेक तो नहीं है, ये चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे ये कला, इसलिए ये कला है, इट्स नॉट अ सिर्फ एक चेकलिस्ट यूज किया, एक कोई स्ट्रैटेजी यूज की और मैकेनिकली रख दिया, ऐसे नहीं होता। नहीं तो कंप्यूटर्स पैसा बना लेते, अल्गोरिदम्स यूज करके पैसा बनाते, अल्गोस वगैरह यूज करने वाले कहाँ पैसा बनाते, नहीं होता है, ओके, क्योंकि देर आर मेथड जो है ना, इट विल ओनली इंप्रूव योर चांसेस, जो भी सिस्टम हो, जो भी स्ट्रैटेजी होगी वो, इट विल ओनली इंप्रूव योर चांसेस ऑफ विनिंग, बट इट विल नॉट गारंटी यू विनिंग, ओके, इट विल नॉट गारंटी। तो तुम्हें ऐसा एक सिस्टम बनाना होगा जो तुम्हारे जीतने के चांसेस को बढ़ाए बस, और इसके लिए जितना सीखो उतना कम है, एक स्ट्रैटेजी नहीं लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में सीखा जाए। मतलब क्या, क्योंकि यहां जब मैं देखूं, ये मेरा चार्ट देखूं, तो मैं सिर्फ 15 मिनट पे एक्शन एक्शन ले रहा हूं, लेकिन मैं बहुत कुछ दिख रहा हूं। या ये डाला था नू नथिंग साइडवेज ट्रेंड, और इसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ था, तभी मैंने बाइंग का कॉल दिया था। इसमें हमारे स्टूडेंट्स, हमारे पता नहीं कोई तो एक सेशन था, रिविजन सेशन था हमारा एसएमएम का या क्या पता नहीं, बट उसमें हमने इसके लिए बाय बोला था। मे बी सम ऑफ माई स्टूडेंट्स कुड बी देयर, दे मे पोस्ट, ओके। सो नाउ इतना बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है, और वीकली में भी ब्रेकआउट, यानी एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है। अब इसका एक टारगेट निकलेगा, वो टारगेट आएगा नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। सिमिलरली बैंक निफ्टी, ठीक है, लास्ट वीक आई थिंक इट वाज 25 अगस्त, व्हाट वाज द लास्ट, 26 अगस्त, 26 अगस्त, लास्ट लास्ट थर्सडे वी वेर हियर, छब्बीस अगस्त को हम यहां थे। उसके बाद ये फ्राइडे हुआ, फिर मंडे को सुबह सुबह फिर वजह, ये क्या है, 27 अगस्त, तो मुझे 27 नहीं, एक मिनट, हम मैं वापस से दिखाता हूं। हाँ हम भी एक, हम एक ग्रुप मीटिंग में थे, और मंडे को सुबह सुबह ऐसे गैप अप हुआ, और हमने डिसाइड कर लिया बाय करना है, दैट्स इट, ओके। अब इसके पीछे एक ही नहीं, बहुत सारे रीजंस है, उसमें एलियट वेव्स है, उसमें प्राइस एक्शन है, उसमें कुछ बाकी के कॉन्सेप्ट्स है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ओके। तो ये जब गैप अप हुआ था उसके बाद बाय किया, और कॉल्स बाय किए बहुत सारे, 30, शुरू तो 36 35,500 के कॉल से शुरू की थी मैंने, फिर 36,000 के कॉल लिए, 36,500 के कॉल लिए, और काफी बढ़िया रहा है ये वीक फॉर बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शंस बायर्स के लिए, ओके। तो मंडे टू थर्सडे, आज भी मैं दिखाऊंगा मैंने क्या किया, मेरे कुछ लॉन्ग थे बैंक निफ्टी का, 36,500 का, 36,000 का कॉल लॉन्ग था, मैं दिखाता हूँ ये वाला, तो 1,000 क्वांटिटी बची थी वो मैंने बेच दी, मैंने ट्रेड भी किया इसमें, तो आज सुबह भी, इवन टुडे मॉर्निंग, ओके, आई फर्स्ट बॉट अबाउट 1,000 क्वांटिटी एट 9:45 एंड एग्जिटेड दैट एट 7:46, एंड देन रेस्ट मेरे पास जो ऑलरेडी लॉन्ग थे वो भी मैंने एग्जिट मारा 7:74 में। ये तो ये पहला बाय है, और उसने करीब करीब 200 के ऊपर मैंने पॉइंट्स लिए, 9:45 का बाय था, 11:19 का सेल है। अब ये 9:45 का बाय क्यों किया, ओके, अगेन अगर हम जाके देखें 9:45 को क्या हुआ था, प्राइस एक्शन ये था, ये कैंडल आ रही थी, ये जस्ट बन रही थी, ओके। तो यहां पर वापस अगर हम देखें तो सपोर्ट में ही था, ये सपोर्ट था, तो यहां पर आया था प्राइस, तो वहां जब मैंने ये बाय किया ऑप्शन, जब मैंने बाय किया तो
ये ऑप्शन 5:31 चल रहा था एंड एट अबाउट 11:19 11:19 को मैंने बेच दिया, ऑलमोस्ट 1000 क्वांटिटी आई सोल्ड एट 746 एंड देन मेरे पास ऑलरेडी कुछ लॉन्ग थे वो मैंने 774 में बेच दिया. ओके एंड आई वॉज सो स्ट्रांगली बुलिश आई ऑल्सो सोल्ड पुट्स 36,700 पुट्स, ज्यादा नहीं 34 के एवरेज से बेचे थे 2000 क्वांटिटी, तो उसमें भी कुछ एक प्रॉफिट आया है 67,000 का. ओके और मेरे ये लॉन्ग थे 35,500 का कॉल, 36,500 का कॉल, ये मैं थोड़ा अर्ली एग्जिट मार गया. मेरे पास ये भी लॉन्ग थे, इसमें भी मैंने ट्रेडिंग की. ओके आज अगर आप देखो कंप्लीटेड ट्रेड्स दिखाता हूं, बस मेरे पास लॉन्ग था वो बेचा था 224 में और जब जैसे मैंने कहा कि 939-945 को मुझे लगा कि अब ये ऊपर जाएगा तो मैंने वापस बाय कर लिया और फिर वापस सेल कर लिया, उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ. इनफैक्ट आई कुड हैव मेड मोर प्रॉफिट्स इफ आई हैड नॉट एग्जिटेड दिस इमीडिएटली, बट मैंने एग्जिट मार दिया क्योंकि मेरे पास 36,000 का कॉल ऑलरेडी लॉन्ग था. ओके यस, तो सवाल क्या है, हेलो सर विच इज करेक्ट मेंटालिटी, आपके पास क्या क्या होना चाहिए पता है, आपके पास एक सॉलिड कन्विक्शन होना चाहिए, सॉलिड कन्विक्शन मतलब रीजंस तो बहुत है, एक एटीट्यूड होना चाहिए जीतने का, एक ड्राइव होना चाहिए, एक एम्बिशन होना चाहिए कि बॉस मुझे कुछ करना है. ओके नहीं तो ऐसे अपॉर्चुनिटी तो आती जाएगी और चली जाएगी, आपका कन्विक्शन नहीं रहेगा तो आप कर नहीं पाओगे. और एक सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादा इतना नहीं खाओगे हजम नहीं हो तो कभी भी ओवर लिवरेज नहीं करो. ओके अपने दायरे में करो, जो भी करना है अपने लिमिट में अपने दायरे में करो. सो इससे क्या होगा कि आपको माइंड के इश्यूज कम हो जाएंगे, आपका कन्विक्शन ज्यादा रहेगा और माइंड के इश्यूज कम रहेंगे, आपका एक्सपेक्टेशन कम रहेगा तो आप बहुत बढ़िया करोगे. ओके जस्ट वन रीजन कैन नॉट बी अ रीजन टू बाय और सेल, देयर हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स एंड इट हैज टू बी इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे, इट हैज टू बी इन अ प्रॉपर सिक्वेंस. ये देखा ये देखा ये देखा ये देखा ये देखा ये सब कुछ देखा, सब कुछ बाय मुझे बोल रहा है तो बाय करूंगा, फिर रिस्क मैनेजमेंट को अप्लाई करूंगा, मनी मैनेजमेंट के रूल्स को अप्लाई करूंगा, उस हिसाब से मैं पोजीशन साइजिंग करूंगा. पोजीशन साइजिंग यानी क्या कि कितने, जैसे मैंने कहा कि एचडीएफसी लाइफ में मेरे 4 ऑर्डर थे उसमें से एक ही ऑर्डर आया, राइट ये होता है पोजीशन साइजिंग, मतलब मुझे उस एंट्री में बहुत सारे स्टॉक्स नहीं लेने थे तो मैंने क्या किया, और कुछ एंट्रीज होती है क्या देखा, लेकिन नहीं आई तो ठीक है भाई जो आया वो तो आया 740 और वो आज 740 का 760 हो चुका है भाई 740 आई एम नॉट सोल्ड इट येट, बाय एवरेज ट्रेडेड प्राइस इज 740, सेल एवरेज ट्रेडेड प्राइस इज नॉट नथिंग बिकॉज आई हैव जस्ट बॉट इट, आई हैव डन सम पिरामिडिंग, आई हैव एडेड टू माई एग्जिस्टिंग पोजिशन एंड आई वॉन्ट टू होल्ड इट. ओके एंड या करीब करीब दो ब्रिक्स उसमें आ रहे हैं यूनिवर्सिटी के. So, that's it. आपको you know reason, ये reason से मैं एक बात बताऊं, आपके पास क्या reason होना चाहिए, आपके पास एक बहुत बड़ा purpose होना चाहिए. ओके और वो purpose ऐसा हो कि यार ये पैसा कमा के करूंगा क्या लेके तो नहीं जाऊंगा तो क्या करूंगा भाई, क्या करूंगा इस पैसे का, ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ क्रिएट करो जिससे सबका फायदा हो. ओके सो कीप अ पर्पस, ऑब्वियसली इनिशियली यू हैव टू बी अ विनर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बट वंस यू डू दैट, अगर एक पर्पस हो ना तो तुमको सारे रीजंस मिल जाएंगे, एक रीजन ढूंढो. ऑब्वियसली ये जो लोग बोलते हैं कि यार मैं हमेशा कहता हूं कि फाइंड वन रीजन टू डू समथिंग instead of finding 19 reasons not to do it. Okay? तो एक reason तुम्हारा ये होना चाहिए कि तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा purpose होना चाहिए ये सब करने के, और उससे क्या होगा तुम्हारा ध्यान जो है ना वो पैसे से हट जाए, तो तुम पैसे से ध्यान हटाओ, बहुत बड़ा reason. अगर तुम पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, सारे reasons लगा दी, सारे reasons ये है ये है ये है ये सब कुछ है, और मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को इस ट्रेड से पैसा कमाना है, अगर वो तुम करो कर रहे हो तो फिर गड़बड़ है.
पता नहीं आपको कितने ये समझ में आएगी बात, लेकिन जब ट्रेड करो तो पैसे के लिए मत करो, एंजॉय करो यार, ये गेम है हमारे लिए, गेम खेलो। वो गेम खेलते खेलते पैसा आता है तो ठीक है, ओके, लड़ाई है ये लड़ाई, तो लड़ाई करने के लिए क्या किसी का खून निकालना है? यहाँ पे तो खून नहीं निकाल रहे आप, तो वी विल डू इट फॉर एंजॉय। मेरा स्टडी अप्लाई करके मुझे अच्छा सुकून मिलता है जब वो चलता है, जब नहीं चलता है तो गॉड मार्केट को शरण हूं यार, भगवान। वो बोलेगा कि नहीं भाई इस बार तुरा नहीं चला, ठीक है स्टॉप लॉस ले लो। जो भी रीजंस हो, एक रीजन जरूर नहीं होना चाहिए और वो है पैसा कमाने का रीजन। डोंट डू एनीथिंग टू अर्न मनी, दैट्स इट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी अभी बहुत सारे सवाल है कोर्सेज के बारे में, ये वो। सर सर माई सेल्फ सागर परब एंड आई एम फ्रेशर इन मार्केट, सो माई ऑनलाइन ट्रेनिंग कधी करू शकतो? सागर कधी पण करू शकतो। आता 15 तारखेपासून सुरू होणार आहे राजा, 15 सप्टेंबर से हमारी अर्ली लर्निंग बैच चालू हो रही है, तो तुम और मेरा आई ओपनर्स भी है आगे आने वाले, तो उसमें भी तुम अटेंड कर सकते हो। सर आई एम न्यू टू मार्केट, एवरीथिंग सीम्स न्यू टू मी, प्लीज हेल्प मी वेयर टू रजिस्टर, विच ब्रोकर ऐप शुड आई यूज? देखो पहले ना ब्रोकर ऐप मत ढूंढो, बिल्कुल नहीं ढूंढो, पहले ये ढूंढो कि तुमको पहले नॉलेज ले लो, नॉलेज, बेसिक नॉलेज कि स्टॉक मार्केट है क्या, कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, क्या है इन्वेस्टिंग, क्या है ट्रेडिंग, क्या है सब समझ लो। पहले 2-3 महीना मस्त सीख लो, और 2-3 महीना भी करने की जरूरत नहीं, 1 महीना सीखने के बाद सब चालू कर सकते हो। ओके, यू हैव टू जस्ट स्पेंड प्रॉपर टाइम विथ आस्था फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। ओके, स्टार्ट विद एन आई ओपनर। तो मैं बोलता हूँ, या लोग बोलते हैं सर तो आप आते हो आई ओपनर के बारे में बात करते हो, ऑब्वियसली करूंगा ना, क्यों? क्योंकि देखो ये मेरा आई ओपनर है 11 और 12 सितंबर को, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल कीप आस्किंग ऑल दिस थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो बताना पड़ता है। और देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जो आज आए हैं और मिशन के साथ जुड़ चुके हैं, वो कहीं ना कहीं से कुछ फेसबुक का एड देखा था, कुछ ये देखा था, कुछ यूट्यूब का वीडियो देखा, कुछ ये देखा, आगे बताते हैं। लेकिन सर मैं तो हमेशा कहता हूँ आप आते नहीं हो, लाए जाते, तो एक मिशन का भाग है, आप देखो आपको सूट होता है तो आ जाओ और ज्वाइन कर लो, ठीक है? लेकिन आने से पहले ये देखो, एक 3-4 घंटा हमारे साथ स्पेंड करो, अगर मैच होती है फ्रीक्वेंसी तो ज्वाइन करो, नहीं होते तो ठीक है छोड़ दो। ओके, 11th एंड 12th मेरे ही आई ओपनर है, एक है सैटरडे को इंग्लिश में और संडे को है हिंदी में, एंड ये ऑब्वियसली द डेट्स। तो इतने जो भी सारे लोग हैं ना यहाँ पे, सर मी तुमचा संडेचा 29 ऑगस्ट आय ओपनर करणार आहे, ओके, बट मला स्टॉक मार्केट मध्ये जास्त इन्फो नाही आहे, बट आय एम रिअली इंटरेस्टेड टू लर्न। 21, गुड, सी विशाल बागल नाउ ही हैज ऑलरेडी एनरोल्ड, उसका भी कुछ नहीं आता बट ही हैज एनरोल्ड। सो विशाल यू विल कम टू नो। ओके सर, मुझे मराठी नहीं आती बट मुझे अवधूत सर के साथ सीखना है, सॉरी फॉर ऑल अदर ट्रेनर्स आर गुड बट। ओके, देखो मेरे साथ सीखना है तो तुमको मुंबई में एनरोल करो, मुंबई में मैं मेन सेशंस लेता हूँ। ओके, तो यू कैन ऑल्सो एनरोल, और वहां पे हिंदी में ही सिखाता हूँ मैं, मराठी में नहीं सिखाता हूँ। मराठी में वैसे डायरेक्टली ट्रेनिंग नहीं है, सारे लोकल लैंग्वेज में सपोर्ट जरूर मिलता है आप सबको, लेकिन ये नहीं है, ठीक है? आई एम ट्रेड इन कैश एंड ऑप्शन, विच कोर्स आई डू वन आस्था? स्टार्ट विद SMM, स्टार्ट विद आई ओपनर, यू विल कम टू नो, बाकी सारे रीजन तुमको मिल जाएंगे। शोक्षा स्मृति पारथी, हाँ पारही कमेंटेड, हेलो सर, रियली लाइक योर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स इन लेमन टर्म्स, व्हाई आर यू नॉट स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट नो ट्रेडिंग डे ऑन 1st सितंबर? सॉरी डियर, एक्चुअली सितंबर चला गया तो एक मौका था लास्ट थर्सडे को, लेकिन वो नहीं हुआ मेरे से, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ है फ्रेंकली, कि 1 सितंबर को नो ट्रेडिंग ट्रेडर्स का, रिटेल ट्रेडर्स ऑब्वियसली यू नो, फ्री ट्रेडिंग के बारे में किसी ने सवाल किया तो मैंने बताया था व्हाट इज फ्री ट्रेडिंग। समटाइम्स यू नो कंप्यूटर जनरेटेड ट्रेडिंग हो सकती है, मतलब कभी कभी अल्गोस कैन जस्ट कॉज सम यू नो फ्री ट्रेड्स एंड देन पीपल कीप अ लॉट ऑफ स्टॉप लॉसेस, सो उससे क्या होता है ना कि स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते जाते हैं। स्टॉप लॉस ट्रिगर होना यानी क्या, किसी ने बाय ऑर्डर का स्टॉप, कितने सेल किया है सपोजिंग, या किसी ने चलो कॉल सेल किया है, एक कोई कॉल सेल किया, अभी बीच में हुआ था निफ्टी के आई थिंक 16,450 या ऐसे कोई स्ट्राइक में फ्री ट्रेड हुआ था, सीधा ऊपर गया था, पता नहीं कितना 800 रुपया वगैरह, बाद में वापस 100 से सीधा 800 होके वापस
हंड्रेड पे आ गया निफ्टी का। लेट मी चेक इफ दैट्स देयर, जस्ट अ मिनट। अगर अगर है तो मैं दिखाऊंगा। लोगों के स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर्स हिट हुए थे, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर्स वाले बच गए थे। बच गए हाँ। तो इसके लिए एक कर सकते हो तुम कि स्टॉप लॉसेस मार्केट ऑर्डर मत रखो, और अगर अभी इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो जरूर है, बिकॉज देर आर सर्टन व्यूज, सर्टन पीपल हैव लॉट ऑफ व्यू, अ बी व्यू दैट कहाँ पे स्टॉप लॉसेस है। वो ऑर्डर का जो व्यू होता है ना, सर्टन प्रिविलेज पीपल हैव इट, ओके, डिपेंडिंग ऑन देयर लेवल ऑफ अकाउंट। इसमें जरूर कुछ होना चाहिए, एक्शन तो होना ही चाहिए। अदरवाइज इसी, इट हैज टू बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल, देन इट इज गुड। बिकॉज अगर स्टॉप लॉसेस दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑपरेटर्स एंड सर्टन थिंग्स कैन, सर्टन पीपल कैन मेक इट। सडनली बाइंग कर लिया, बाइंग करने से क्या होगा, सडनली जितने भी स्टॉप लॉसेस है, किसी ने सेल ऑर्डर का स्टॉप लॉस रखा है इतना इसके ऊपर जाएगा तो सेल होना चाहिए, तो वो सेल ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। ओके, यानी नहीं, बाय ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। सपोजिंग अगर बताता हूँ, किसी ने कॉल बेचा है 100 रुपीज में, कॉल बेचा है और स्टॉप लॉस रख दिया 150 पे, 150 पे स्टॉप लॉस रखा है ना, क्या किया है, बाय ऑर्डर रख, 150 आएगा तो बाय होना चाहिए। अब 150 हो गया और तुमने मार्केट में बाय ऑर्डर डाल दिया, अभी ऊपर 150 के ऊपर 155, वो सारे बाय ऑर्डर्स हो गए, 200 तक कोई बाय ऑर्डर नहीं है, तो तुमका तुम्हारा मार्केट में ऊपर चला जाएगा। तो सडनली सो मेनी स्टॉप लॉस ऑर्डर्स आर कन्वर्टेड इनटू बाय ऑर्डर्स, एंड व्हेन सो मेनी बाय ऑर्डर्स आर ट्रिगर्ड एट वन टाइम, सडनली डिमांड बढ़ जा रही है और जितने भी सेल सेल ऑर्डर्स है वो ट्रिगर हो जाते। अब एक स्ट्राइक है जिसमें हार्डली कोई 200 300 400 पे सेल ऑर्डर रखेगा, तो किसी ने 300 पे सेल ऑर्डर रखा है, किसी ने 200 पे रखा है, बाद में सीधा किसी ने 800 पे रखा है, तो बेचारा जो मार्केट में कवर कर रहा है वो तो सीधा 800 पे बाय हो जाएगा, दैट्स नॉट गुड। ओके, तो इससे कैसे बचोगे, ऑलवेज कीप लिमिट बाय ऑर्डर। ओके, यानी 150 का स्टॉप लॉस है मेरा, 150 के ट्रिगर प्राइस डालूंगा, और मे बी 160 170 का तुम लिमिट डालो, लिमिट बाय ऑर्डर, उतना तो लिक्विडिटी है तो तुम्हारा बाय ऑर्डर उसमें जेन्युइन है, फ्रिक नहीं है तो उसमें आ जाएगा। ओके, अगर जेन्युइन बाइंग आ रही है वहां और सेलिंग है, जेन्युइन बाइंग सेलिंग, जेन्युइन नहीं है, फटाक करके किसी ने जोर से बाय ऑर्डर डाल दिया, बड़ा क्वांटिटी बाय ऑर्डर डाल दिया, सबके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर कर दिए और बाद में अपने ही सेल ऑर्डर्स ऊपर डाल दिए, हो सकता है। सो आई थिंक, आई एम श्योर, यू नो, आई देयर विल बी समथिंग हैपनिंग, आई एम नॉट श्योर कि होगा कि नहीं होगा, कब होगा, क्या होगा, लेकिन होना तो जरूर चाहिए। जैसे सर्किट्स होते हैं वैसे ऑप्शंस में सर्किट नहीं है। ओके, तो देर इज नो अपर सर्किट लोअर सर्किट, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, प्रोबेबली प्रोबेबली दैट्स द प्रॉब्लम। कुछ इसमें है, इंडेक्स में है कि नहीं देखना पड़ेगा, देर इज नो अपर सर्किट लिमिट तो है 2773, या देर आर, बट वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही ऊपर के लेवल्स है। ओके, लोअर सर्किट, अपर सर्किट लिमिट काफी ऊपर होती है, तो वो उसमें अभी चिकन है कि सिचुएशन है यार, वो नहीं रखेंगे तो भी प्रॉब्लम है। कुछ ज्यादा स्ट्रिंजेंट ऑप्शंस में नहीं रख सकते, 10% 20% तो नहीं रख सकते, ऑप्शंस कैन गो अप बाय 100% 200% 300%। ओके, बट देर हैज टू बी सम वे फॉर श्योर। एंड 1 सितंबर को आई वॉज नॉट इवन अवेयर दैट देर वॉज देर इज सच थिंग, एंड वाई, बिकॉज यू नो वी वर टोटली बिजी इन वन ऑफ द ऑफ साइट्स। 3 दिन हम मस्त ऑफ साइट में थे, हमने लाइव ट्रेडिंग किया और बहुत धमाल किया और इतना बढ़िया रिजल्ट था, सारे लोगों में से हार्डली किसी ने लॉस किया, मतलब 90% सक्सेस रेट था हमारा, तो बहुत धमाल किया, बहुत ही बहुत। एंड ऑल दिस, यू नो, भारतीय एयरटेल वॉज वन ऑफ देम, हैवल्स, देन बैंक निफ्टी, एचडीएफसी लाइफ अभी का है, एचडीएफसी लाइफ कभी नहीं था, बट या ओके। नेक्स्ट, कैन आई लर्न डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी अर्निंग एवरी मंथ आफ्टर डूइंग जियो प्रोग्राम टू लीव माई लाइफ पीसफुली आई लीव माई करंट जॉब। हाँ, अभी ये करंट जॉब, करंट जॉब, सुमित डियर, पहली बात, इतना ऐसा मत समझो कि हाँ मैं जॉब छोड़ लूंगा फिर जियो प्रोग्राम करूंगा और मेरा एकदम मस्त पीसफुली चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। तुम
जियो प्रोग्राम जरूर करो लेकिन जॉब करते करते करो, और उसके बाद भी जॉब मत छोड़ो। ओके, ट्रेडिंग 70% साइकोलॉजी है, और तुमने अगर जॉब करके नहीं किया तो छोड़ के भी कर नहीं पाओगे। और जॉब छोड़ना क्यों है भाई, अगर छोड़ोगे तो एक बहुत अलग सा प्रेशर आएगा तुम पे कमाने का, और वो कमाने का प्रेशर तुमको ट्रेड अच्छा नहीं करवाएगा। सो उस प्रेशर में तुम गलतियां ज्यादा करोगे कमाने के चक्कर में। अभी क्या जॉब है तो इतना पगार आता है महीने का, वो ट्रेडिंग से निकालने की कोशिश करोगे। और एकदम शुरू में मैंने क्या बोला कि जो भी करो एक रीजन नहीं होना चाहिए पैसा कमाने का। पैसा कमाने का रीजन नहीं होगा ना, पैसा अपने आप आएगा। देखो तुम वेल्थ बिल्डिंग के लिए कुछ मत करो, वेल्थ बिल्ड हो जाएगी। कोई भी बाय सेल करते हो पैसा कमाने के लिए मत करो, तो क्या करो, मतलब एक प्रॉपर एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया होना चाहिए। हाँ ये हुआ तो ये एंट्री करूंगा, यहाँ पे मेरे इतने पॉइंट्स आ रहे हैं, इतना पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, चलो ये पॉइंट आ रहा है ना, चलो ले लिया, बाकी का दूसरे के लिए छोड़ दिया। कर लो, तुम्हारा एंट्री और एग्जिट पैसे पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं रहेगा तो अच्छा है। अब प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट्स हो सकता है वो कर लो, बट डियर जॉब बिल्कुल नहीं छोड़ना। कब छोड़ोगे पता है, तुम 6 महीने का सैलरी कमा के दिखाओ मार्केट से। ओके, और वो भी 6 महीने के अंदर, दैट इज हाउ आई लेफ्ट माय जॉब। 3-3 महीने में, 2 बार मैंने एक्चुअली 2 बार डबल किया पैसा। ओके, और 6 महीने की क्या थोड़ा ज्यादा ही सैलरी कमा ली 6 महीने के अंदर, उसके बाद मैंने जॉब छोड़ा। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं था, बट ये जानना चाहता था कि ये क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं इक्विप्ड हूँ। और एक प्रॉब्लम बताता हूँ, तुम अगर जॉब करके कर रहे हो ना, शायद जॉब छोड़ने के बाद ज्यादा चांसेस है कि तुम फेल हो जाओगे। क्यों पता है, क्योंकि तुम स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे। अभी हाँ, अभी ये क्या करेगा, अभी बैंक निफ्टी क्या करेगा, अभी नेक्स्ट 5 मिनट का कैंडल क्या करेगा। ओके, तो हर एक कैंडल को देखते बैठोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुमको मार्केट को काम पे लगाना है, हमको तो मार्केट काम करेगा तुम्हारे। सो प्लीज डोंट इवन, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, आप जॉब छोड़ने के बिल्कुल मत सोचो, जॉब करते करते ये सब करो। ओके, हाँ एक काम कर सकते हो तुम, अगर सर पे कफन बांध ही लिया है जॉब छोड़ने का, तो जॉब पे इतना प्रेशर मत लो, स्ट्रेस मत लो, अपनी मर्जी पे काम करो, ठीक है ना। ज्यादा कमिटमेंट उतना मत करो कि तुमको 16-17-18 घंटे काम करने पड़ रहे हैं। 8-10 घंटे ठीक है यार, 12 घंटे मैक्सिमम में, 12 घंटे भी ज्यादा ही है, 10 घंटे करो, बाकी तुम्हारे लिए रखो 5-6 घंटे स्टडी के लिए, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। ऑलराइट, सो कूल, सो दैट्स अबाउट द आई ओपनर्स एंड आई एम गोइंग टू, तो इतने ही स्लाइड से अब मैं चार्ट भी लेता हूं और मैं मेरा व्यू भी बताऊंगा। दीज आर इन इंग्लिश एंड हिंदी, दैट्स इट आई थिंक। प्रसाद, आई एम चैट बॉक्स में कुछ सवाल है तो मैं लेता हूं। यस सर, मैंने चैट के जूम के चैट में भी डाले आपको। ललित साहब, आई एम बिगिनर इन स्टॉक मार्केट एंड आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू दैट व्हाट ट्रेडिंग आई शुड डू, इंट्राडे स्विंग पोजिशनल। एक्सलेंट, ओके, यू आर अ बिगिनर, ओके, स्टार्ट विथ पोजिशनल, पोजिशनल इक्विटी करो, ओके, और इंट्राडे करो सीखने के लिए थोड़ा सा, बट उसका टाइमिंग रखो, ज्यादा फोकस तुम्हारा पहले पोजिशनल पे होना चाहिए। देखो इंट्राडे और पोजिशनल दो ही होते हैं, स्विंग पता नहीं, हमारा स्विंग का मेंटल टर्मिनोलॉजी अलग है। ओके, बिगिनर हो तो इक्विटी से शुरू करो, एफ एंड ओ अगर सीखा नहीं तो बिल्कुल नहीं करना, फ्यूचर्स ऑप्शंस का हमारा सेमिनार करने के बाद ही करना। ओके, तब तक तुम्हारे सारे तीनों आंखें खुल चुकी होंगी और बाद में वो धीरे धीरे और बड़ी होती जाएगी, पहले तो इतनी रहेगी सेमिनार करने के बाद, फिर धीरे धीरे करना लोगे तो ऐसे 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 ऐसी बड़ी हो जाएगी, पहले ऐसी रहेगी, दिखेगा कर सकोगे, धीरे धीरे बढ़ेगी जैसे जैसे तुम्हारे और रिविजन सेशन ये वो सब होते जाएंगे और तुम अनुभव लोगे मार्केट का और हमारे सत्संग अटेंड करोगे, महासत्संग अटेंड करोगे, एसी में आ जाओगे, लोगों से इंटरेक्ट करोगे, तो धीरे 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 विश्वास बढ़ते जाएगा, तुम्हारा खुद का फिनेस आ जाएगा एनालिसिस में और ट्रेडिंग के एग्जीक्यूशन में। स्टार्ट विथ इक्विटी आइडियली, ओके, जैसे अभी मैंने उस दिन भी HDFC लाइव जब बोला था तो इक्विटी में बाय करो यार, इतना स्टॉप लॉस है, इतना टारगेट है, अभी तो बड़ा बड़ा टारगेट आया, सो डू इट दैट वे। ऑलराइट, अभी HDFC लाइव मेरा ट्रेड देखा है तो कल जाके बाय मत करो क्योंकि ऑलरेडी भाग चुका है। ओके, शायद कल थोड़ा सा, मैं तो कल आज जो लिया है वो शायद बुक भी कर लूंगा ऊपर जाएगा तो। सो डोंट फॉलो एनीवन,
और क्या सवाल है? एक मिनट मैं देखता हूं, जरा क्रूड का देखना है भाई, लॉन्ग किया हुआ है 47, गुड। कॉपर नीचे है, ओके क्रूड ऑयल जरा देख लेता भाई, क्योंकि हाँ ये चलेगा। चलो 4999 का स्टॉप लॉस है, चलो एक बाय ऑर्डर डाल के रख देते हैं। 51 की बाय ऑर्डर रखा है मैंने, लेट अस सी इफ आई गेट इट। आ गई नहीं 51? नो ओके 51, देखते हैं मिल जाएगा। हाँ अब आते हैं हम जरा व्यू पे आते हैं, व्हाट इज माय व्यू ऑन द मार्केट ओवरऑल। एज आई से वी आर स्टिल इन अ फिफ्थ वेव, किसकी फाइनल फिफ्थ ऑफ फिफ्थ हुआ है नहीं हुआ है पता नहीं, 1 2 3 4 5 या आज जो डेली चार्ट में बहुत ही बढ़िया एक्शन रहा है निफ्टी में। रिलायंस इज व्हाट आई एम लुकिंग एट, रिलायंस आई एम लॉन्ग, दैट्स अ डिस्क्लेमर, आई एम ऑलरेडी लॉन्ग ऑन रिलायंस एंड रिलायंस हैज डन ब्रेकआउट फ्यू डेज बैक। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट था, अच्छा इधर ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये भी एक है ओके। वीकली देखते हैं, ये देखो यहाँ पर ब्रेकआउट है, इस हफ्ते तो उसने कर लिया है और काफी अच्छा टारगेट बन सकता है रिलायंस में, अगर रिलायंस ऊपर गया तो निफ्टी को भी प्रोपेल कर सकता है ओके। सो रिलायंस इज लुकिंग गुड, स्टॉप लॉस ऑब्वियसली अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पहले यहां था, अभी मेरा यहां आ जाए, सो मैं यहां इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, दैट्स गोइंग टू बी माय स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहेंगे क्यों, क्योंकि हम अभी स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे, ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ये, जो फ्यूचर्स की पोजिशन है उसके लिए ओके। बाय नहीं हुआ, ऑलराइट, रिलायंस इज लुकिंग गुड बट इंफोसिस ऑफ द वर्ल्ड ओके, ये डेली के बाद एक करेक्शन आया है। अगर आपको याद होगा मैं लास्ट थर्सडे को ही बोल रहा था आईटी स्टॉक्स थोड़े इंफोसिस वगैरह एक थोड़ा करेक्शन आ सकता है साइडवेज या करेक्शन, तो 3-4 दिन से करेक्शन आया था, आज की एक्शन अच्छी है, ऐसा लगता है कि वापस यहां से बाउंस आ सकता है इंफोसिस में। टीसीएस डिड ग्रुड टुडे एंड टेक महिंद्रा, दैट इज ऑल्सो गोइंग स्टॉक्स, ट्रेडिंग स्टॉक, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ है। हाँ माइंडट्री ऊपर गया ना, आज माइंडट्री भी ऊपर है ओके। नाउ दिस स्टॉक्स अभी बेसिकली यहाँ पे नई एंट्री का कोई गुंजाइश ही नहीं है, नोबडी शुड बाय हियर एट दिस न्यू लेवल्स यू नो, अभी नए पोजीशन लेना थोड़ा गड़बड़ है, बट तुम्हारे स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करो, नाउ दिस कैन बी अ गुड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ओके। वैसे बजाज फिनसर्व यस्टरडे आई एग्जिटेड लॉन्ग पोजिशन, यस्टरडे मैंने निकाल दिया था इसको, क्योंकि एक एक आसार दिख रहे हैं, दिखाता हूं मैं ओवरव्यू में, ये पहले यहां लग रहा था कि नहीं जाएगा जिस, लेकिन यहां पर वापस लॉन्ग कर दिया था और कल एक ऐसी एक्शन है, सो दिस इज डिवाइन ओके।
सो दिस अबाउट बजाज फिनसर्व वी में, अगर मार्केट में करेक्शन आया तो ये हो सकता है. आरबीएल बैंक अगेन वॉट एवर आई एम शोइंग दिस आर ऑल माई व्यूज, इन नो वे आई एम गिविंग एनी रिकमेंडेशन और सजेशन टू डू समथिंग, बट दिस इज वन स्टॉक विच मैंने यहाँ पे कवर किया था 150 ऑड में, 57, 58 के करीब. अब मैं इसे वापस शॉर्ट या सेल करने की राह देख रहा हूँ. मैंने कल कुछ पोजिशन शॉर्ट की है जो लॉस में चल रही है आज की तारीख में. या मेरा एक शॉर्ट पोजिशन है यहाँ से जो अभी मैं लॉस में बैठा हूँ, और हाँ डिसेंट लॉस भी रहेगा, दिखा देता हूँ लॉस भी रहेगा यहाँ से. आरबीएल बैंक का लॉस है 3.45 लाख का लॉस है मेरा आज की तारीख में जो मैंने कल शॉर्ट किए थे उसमें. ओके भारतीय एयरटेल, हाउ एवर यू नो भारतीय एयरटेल मैं बताता हूँ अभी एक बहुत बढ़िया चीज आपको बताऊंगा जो मैंने सेट में मेरे लोगों को भी बताई थी. भारतीय एयरटेल में ऑन द लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी, देखो मैंने क्या किया था, मैंने मेरे पास लॉन्ग पोजिशन थी यहां से और मैंने कॉल्स बाय किए थे और रोल अप किए थे 500 के कॉल्स थे, फिर 600 के कॉल्स थे, 600 के कॉल्स मैंने रोल अप करके 610 के कॉल्स रखे थे यहाँ पे, और उसकी एवरेज कॉस्ट 7-8 रुपए थी. लेकिन ऑन दिस डे ऑल दैट बिकेम जीरो. ओके दिस वाज अ एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी डे, ये मंथली एक्सपायरी डे को पूरा जीरो हो चुका था वो. तो लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लॉन्ग कर लिया. मेरा एक डीप इन द मनी पुट भी था जो बेचा हुआ था, वो मैंने कन्वर्ट किया इक्विटी में, तो मैंने इक्विटी भी बाय किया और फ्यूचर्स भी लॉन्ग किया. नेक्स्ट डे देयर वाज नो फॉलो एंड देन इट वाज एविडेंट दैट दिस इज गोइंग टू रॉक. सो इस कैंडल के बाद, ये मंडे है शायद, ये मंडे इसी दिन हमने और बाइंग की थी भारती में, और इस दिन मैंने मेरे टीम को भी बताया था 30 मिनट का चार्ट जो था इसमें ये है यहाँ, तो इसमें भी हमने कहा था कि बॉस यहाँ पे एक थर्ड वेव शुरू हो चुकी है और ये जल्दी नहीं रुकेगा. सो इट वाज अ नाइस थर्ड वेव. नाउ टुडे वी आर हियर और अभी देखेंगे, एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है. ओवरऑल ब्रेकआउट का टारगेट 700 प्लस आ रहा है, करीब करीब 84-80 तक तो गया है, ये एक टारगेट है 684 का. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस विद भारती गोइंग फॉरवर्ड. आइडिया ने आज थोड़ा सा अच्छा मूव दिया है. एक्सक्यूज मी, या दिस इज गुड. ओके आफ्टर दिस, बट अगेन दिस इज, ये थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है. लेकिन अगर ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर आएगा, अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो देर विल बी अ गुड चांस दैट इट मे गो ऑल द वे टू 9 and 950. पॉसिबिलिटीज हैं, बट लेट्स सी यू नो हाउ, इफ देर इज अ फॉलो अप टुमारो, एक अच्छा प्राइस एक्शन अगर कल आएगा तो हमें देखना पड़ेगा वो करेगा कि नहीं करेगा. ओके ऑल राइट, नाउ एनी फर्दर. प्रवीण मलिक सर, किसी स्टॉक में ऑपरेटर का होना या ना होना क्या बताता है? अगर किसी स्टॉक में एक भी ऑपरेटर ना हो या 50% से ज्यादा ऑपरेटर्स हो तो क्या उसमें ट्रेडिंग सेफ है? देखो कोई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ ऑपरेटर्स ही होते हैं जनरली, और वो एक सर्टन काउंटर को चलाने वाले होते हैं. ओके बाइंग सेलिंग यूएस में तो सब जगह होते ही है मार्केट ऑपरेटर्स, मतलब दे स्ट्रीमलाइन दी डिमांड सप्लाई. समटाइम्स सडनली किसी बाइंग आ गई तो दे समटाइम्स दे ऑल्सो प्रोवाइड सप्लाई, बट दे नो दैट यू नो सप्लाई विल कम लेटर. सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है वो, बट उसका फायदा भी उठाया जाता है लोगों से. सो ये क्या सेफ है? ओनली हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स आर सेफ, वहां पे किसी एक की नहीं चलती. जैसे रिलायंस वगैरह जैसे स्टॉक्स है या कोई बैंक निफ्टी निफ्टी इंडाइसेस है, वहां पे किसी एक की नहीं चलती. हाँ कोई एक पर्टिकुलर स्ट्राइक है उसमें कोई कुछ कर सकता है, कोई एक स्ट्राइक है, लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को हिलाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आसान नहीं है. कोई स्ट्राइक में बायर सेलर्स का डेप्थ ऑफ डेप्थ जो बोलते हैं ना मार्केट डेप्थ, मैं दिखाता हूँ क्या होती है मार्केट डेप्थ. अरे यार एक क्रूड आया नहीं, मेरा ऑर्डर 63 हो गया. डैम 51 पे मेरा ऑलरेडी बाय तो है, मुझे ऐड करना था, पिरामिड करना था क्रूड ऑयल को, वो हुआ ही नहीं यार. अब क्या करें,
रुकेंगे, उसमें क्या है? चल पड़ा वो, जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले होले होले, ये जयपुर है, अभी दिल्ली के लिए निकली है, मैंने परसों लिया था यहां पे गई, इधर का इधर तो लिया था 31 अगस्त, यहां फिर कल यहां पे गिरा है वो, बट आई हैव नॉट कवर्ड इट येट, एंड आई एम जस्ट वेटिंग बिकॉज वो इन्वेंट्री के लिए रुका था, इन्वेंट्री के बाद वापस ऊपर आ गया, ओके देयर वाज अ इन्वेंट्री यस्टरडे एंड नाउ इट इज इज गोइंग अप, आई मे गेट आउट इफ आई गेट अ गुड रेट 5140, चलो सेल ऑर्डर भी डाल के रख देते। जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले होले होले, 5109 का मेरा सेल, देखते। अच्छा याद होगा लास्ट टाइम हमने सिल्वर लिया था, सिल्वर में बाइंग की थी लास्ट थर्सडे को, वो मैंने अभी तक निकाला नहीं है, अभी तक मैं होल्ड करके बैठा हूँ। सो सिल्वर का चार्ट दिखा रहा हूँ, आई थिंक लास्ट 26 अगस्त, हाँ यहाँ हमने बाय किया था मुझे याद है, और अवरली चार्ट में 5:30 है, ये कैंडल देखा था, इफ यू रिमेम्बर 6:30 इधर हमने सिल्वर को बाय किया था लास्ट यूट्यूब लाइव के टाइम पे, और उसके बाद ये एक मेरा स्टॉप लॉस था ब्लू कलर जो है, उसके बाद उसने एक, ये कितने बजे का है एक मिनट दिखा, मेरा स्टॉप लॉस नहीं लिया था उसने, हाँ ये सुबह सुबह 18:30 से 6:30 का है, उसके बाद ही देखो ये ऐसे होता है स्टॉप लॉस लिया जाता है, मैंने तो नहीं रखा था सिस्टम में, बट स्टॉप लॉस लिया जाता है, फिर लोगों का क्लोज नहीं होता उसके नीचे, ओके अवरली में उसने उसके नीचे क्लोज नहीं है ये देखोगे तो, इसलिए स्टॉप लॉस हमेशा क्लोजिंग बेसिस पे रखो, और देखो मेरा अलर्ट तो बजा था लेकिन बाद में देखा तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई, सो जस्ट तब से होल्ड ही किया है, आई हैव नॉट एग्जिटेड दिस येट, अब सोच रहा हूँ करना है कि नहीं, देखना पड़ेगा, साइडवेज ही है भाई, क्वांटिटी है, सिल्वर सिल्वर सिल्वर, ओके सो या कमिंग बैक टू आर व्यू, नहीं प्रसाद व्हाट आई वाज शोइंग, आई थिंक आई वाज शोइंग समथिंग राइट, कुछ तो दिखाना था, समथिंग आई वाज जस्ट ट्राइंग टू शेयर, चैट बॉक्स में किसी का ये है क्या, हाँ हाँ मार्केट डेप दिखा, थोड़ा सा डायग्राम ऑपरेटर ड्रिवन फैक्ट्स, हाँ हाँ देखो अभी मार्केट डेप क्या है कि ICICI बैंक अगर हम फ्यूचर्स की ओपन करें तो यहाँ पे 20 लाख बायर्स है, 20,92,000 बायर्स एंड 8,19,000 के सेलर्स है, ओके इतने सेल ऑर्डर्स खड़े हैं यहाँ पर और इतने बाय ऑर्डर्स खड़े, अगर अगर किसी ने सीधा फ्यूचर्स में इतनी बाय ऑर्डर्स डाल दी, 10 लाख की बाय ऑर्डर्स डाल, 10 लाख फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करो, तो जितने भी बायर्स है यहाँ पे वो सब हिट हो जाए, ओके और ये अपर सर्किट लिमिट है 798 का, यानी 798 तक बायर्स सेलर्स बैठे हैं, 798 के ऊपर सेलर सेल ऑर्डर डाल भी नहीं सकते, ओके तो 798 का अपर सर्किट लिमिट है, यानी यू कैन एंटर एन ऑर्डर, इफ आई हैव टू एंटर एन ऑर्डर 799 का ऑर्डर में नहीं डाल सकते, क्या होगा वो बोलेगा अच्छा अडेप्टर इज नॉट रेडी, वो अभी मार्केट बंद है तो उसके लिए वैसे ये दे रहा है वो, सो करेंसी अभी यहाँ पे दिखा था, ये मार्केट डेप क्या है 22,596, इतने लॉट्स बाय ऑर्डर खड़े हैं, इतने लॉट्स सेल ऑर्डर खड़े हैं, उसका अपर सर्किट है 5192, तो 5192 के ऊपर मैं सेल ऑर्डर नहीं डाल सकता, चलो 10 लॉट्स में डालता हूँ 5195 है, हाँ देखो 10 अलॉट्स में डाल रहा हूँ 5195 है, पहले लॉन्ग क्या क्या नहीं देखता हूँ, ये आई एम लॉन्ग,
या मेरे 50 लॉट ऑलरेडी लॉन्ग है, उसमें से मैं बेचने का डाल रहा हूँ। अब क्या हुआ, उसने क्या दिया रीजन, चेक सर्किट लिमिट इंक्लूडिंग स्क्वेयर ऑफ ऑर्डर, ओके, बट कैन आई पुट अ 5192 ऑर्डर, यस, चलो 20 लॉट डालता हूँ 5192। क्या उसने लिया ऑर्डर, ले लिया 5192 का ऑर्डर ले लिया उसने, ओके, सो ये होता है, डाल के रख दिया है। सो यू हैव टू हैव, सो दिस इज मार्केट डेप्थ, ओके, तो लुक एट स्टॉक्स विच हैव गुड मार्केट डेप्थ, ओके, एंड वेयर विच आर हाईली लिक्विड स्टॉक्स, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है, देन इट कैनॉट बी मैनिपुलेटेड, मतलब मैनिपुलेशन है ना, देर आर लेस चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन, ओके। और क्या सवाल है, राहुल यादव, हेलो सर, एज क्रिप्टो करेंसी मार्केट स्टिल नॉट अ मैच्योर मार्केट, डज दैट मीन टेक्निकल एनालिसिस विल नॉट ऑलवेज वर्क, सो मच वॉल्यूम एंड नॉट, अरे बाबा नॉट मच वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी, देर इज ह्यूज वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी इन क्रिप्टो। हाँ राहुल, इट इज अ क्वाइट अ मैच्योर मार्केट एंड देर आर लॉट ऑफ पागल ट्रेडर्स आउट देयर, बहुत लिक्विडिटी है और पागल जैसे लोग पैसा गवा रहे बिना सोचे समझे, और वो भी डॉलर्स में गवा रहे, एंड दिस इज वन थिंग आई वॉन्ट एवरीबडी टू स्टॉप, स्टॉप ट्रेडिंग क्रिप्टो इफ यू डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज, एक दिन कमाओगे दूसरे दिन ज्यादा गवाओगे, ओके, और ये ऐप्स वगैरह डाउनलोड मत करो, ऐप्स करके मत करो ट्रेडिंग, पहले सीखो, अगर ऐप डाउनलोड करके पैसा मिलता तो वो ऐप बेचेंगे क्यों यार, तुमको तुमको बोलेंगे अरे ऐसा पैसा डाल वैसा पैसा डाल, हो जाएगा, अरे कुछ नहीं होगा, पैसा जाएगा जेब से 101% लिख के देता हूँ, और तुम तो ओवर लिवरेज करोगे, $1,000 डालोगे और 1 लाख का माल उठाओगे, ओके, तो पैसा मत करो पूरा का पैरा, और डॉलर में पैसा मत गवाओगे, कि एक तो हमको डॉलर चाहिए होता है, वी नीड डॉलर्स फॉर बाइंग गोल्ड एंड ऑल दिस, एक तो क्रूड ऑयल सबसे बड़ा अपना बिल, ओके, डोंट लूज मनी इन डॉलर्स, स्टॉप क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, एंड देन देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विड का कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिप्टो में, ओके, अभी हम देखते किधर है क्रिप्टो, कहाँ है भाई, परफेक्ट टारगेट आ गया, यही टारगेट ऑलमोस्ट आ रहा है 51,000, ओके, यहां से घूम सकता है भाई, 51,000 से घूम सकता है बिटकॉइन, सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच, यहां पे बाय था, यहां पे बाय था इस जगह पे, और इसके बाद यहां भी बाय था, अब नहीं, अब थोड़ा रेजिस्टेंस है, ये जाने दे, ये ब्रेकआउट करेगा तो ठीक है, पर मुझे लगता है कि यहां से थोड़ा अटकने के चांसेस है, सो लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच। बाय द वे, डाउ जोन्स स्टिल स्लोली एंड श्योरली गोइंग अप, बट आई एम रियली कंसर्न अबाउट दिस एंटायर अप मूव, और एक हाई भी बन सकता है भाई, क्योंकि एक वेव शायद कम है यहाँ पे, तो एक हाई बन सकता है। यूएस फ्यूचर्स मार्केट स्टिल वेरी स्ट्रांग, एमेजॉन एक अच्छा बाय लेवल पे आया था बीच में, ओके, यहां पर इसके बाद उसने थोड़ी सी गैप फिल कर दी है, तो दिस वॉज अ गुड बाय लेवल आफ्टर दिस डे, आफ्टर दिस मॉर्निंग स्टार वॉज अ गुड बाय, ओके, बिकॉज इट वॉज अ ग्रेट सपोर्ट एज वेल, एक सपोर्ट था वहीं पर, सपोर्ट लेके वापस घूम गया, सो ये टारगेट था जो ऑलमोस्ट आ चुका है ऐसा लगता है, ये देखो ये टारगेट था ऑलमोस्ट आ चुका है, तो अभी यहां अगर बाय किया तो निकल सकते हैं, आई बिलीव यू नो अमेजोन ऑफ द वर्ल्ड में गो साइडवेज, ओके, फेसबुक क्या कर रहा है, फेसबुक इज न्यू हाई, क्यूटेक देख देते हैं, ओके, ऑल राइट, बैंक निफ्टी, चलो अब बोलो बैंक निफ्टी बुलिश है कि बेरिश है, यू कैन पोस्ट योर आंसर, एंड व्हाट इज योर टारगेट ऑन बैंक निफ्टी लुकिंग एट दिस चार्ट, व्हाट इज योर टारगेट ऑन बैंक निफ्टी लुकिंग एट दिस चार्ट, पोस्ट ऑन द चैट, पोस्ट इन द चैट बॉक्स विथ योर नेम, योर लोकेशन, वेयर आर यू फ्रॉम, आस्था के स्टूडेंट हो क्या, कौन सा जियो बैच है तुम्हारा, जियो का तुम्हारा जो बैच नंबर डाल सकते हो, और तुम्हारा टारगेट क्या है,
बैंक निफ्टी के लिए. ओके कैन यू लेट मी चेक. अजीब ही चालू हो गया. हमारा टारगेट क्या है बैंक निफ्टी? यस धीरज जैन बुलिश. हाँ टारगेट भी बताओ. हो कहाँ से हो? मुंबई से. अतुल द्विवेदी. और अगर हमारे स्टूडेंट हो तो जरूर तुम्हारा जियो का बैच भी डाल सकते हो उनसे. जियो से सराज सोनावने बुलिश 37,900. सारे बुलिश ही लोग हैं यार. पुणे अभिजीत चौधरी बैंक राहुल आड़के 37,700. अमोल डंगे स्थायन बुलिश प्रीवियस में टारगेट. नवीन कुमार अनुराग 40,000. ओके सचिन सुप्रीकर बुलिश. सब लोग बुलिश है. ओके शाबाश. ऑलराइट पवन पाटिल रामचंद्र कृष्ण कुमार गेम्स जोन 45,000. ओके निखिल अरे निखिल बार बार वही डालेगा क्या सवाल? तो ऐसे करेगा ना तो बिल्कुल बताऊंगा नहीं कुछ. इलियट खाओ तुम खुद सीख लो और खुद देखो क्या है. एक ही कमेंट कितनी बार डालोगे? हरियन शिंदे पुणे 3G03. विजय शिंदे न्यू बुलिश एंड फर्स्ट रेजिस्टेंस 37,200. हरियन ओके बार बार मत डालो कमेंट. एक बार डाला ठीक है. विनीत जोशी कृष पुणे 3G06. आर्यन शिंदे हो गया. अरे कितने बार डालोगे यार? किशोर वसानी KOP0 टारगेट 37,117 एंड सेकंड टारगेट 37,700. बीइंग लिमिनरी बेरिश. ओके ऑल राइट लुकिंग एट ओवरऑल मूड लॉट ऑफ पीपल आर बुलिश. तो देखो अभी मैं एक काम करता हूं. मैं ये दिखाता हूं क्या हुआ है ना कि देयर वाज अ ब्रेकआउट यस्टरडे. ओके और आज भी उसको फॉलोअप है ऑफ दिस ट्रेंड लाइन. तो ऑब्वियसली व्यू तो बुलिश ही है. मेरा भी व्यू बुलिश है बट मेरे कॉल्स वगैरह जो थे मैंने कुछ कैरी नहीं किया है पोजिशन. आई ट्रेड ओनली वीकली एक्सपायरी. मैंने मंथली एक्सपायरी का कुछ किया नहीं है बट अगर इसका फॉलोअप आया तो फिर एक यस एक ये टारगेट बन सकता है 37,700 का. बट अगर इसके अंदर आ गया तो RBL बैंक जैसे स्टॉक्स में जरूर शॉर्ट करूंगा और ICICI बैंक मेरा ऑलरेडी लॉन्ग है. ICICI बैंक इज समथिंग आई हैव लॉन्ग पोजिशन. सो मुझे लगता है कि ICICI बैंक में टेक बैंक निफ्टी अप. HDFC बैंक कोटक बैंक ये भी बढ़िया प्ले थे. एक्सिस बैंक ने भी उस दिन बड़ा ब्रेकआउट दिया था. देयर वाज अ ब्रेकआउट नॉट अ ग्रेट फॉलोअप दो येट बट आई थिंक एक अच्छा सा ब्रेकआउट है एक्सिस बैंक में भी. कोटक बैंक इज डूइंग गुड. ओके बट अंडर परफॉर्मर है और HDFC बैंक. बट सबसे आउट परफॉर्मर मुझे ICICI बैंक लगता है एंड हेंस आई एम लॉन्ग ऑन ICICI बैंक. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. Fingers cross. Okay. So, telecom mein obviously Bharti. Reliance is looking good. IT. Infosys. Lagta hai ki thoda bounce abhi aa sakta hai wapas. But TCS at these levels? No. Won't be buying at these levels. Okay. All right. Prasad, aur koi chat box mein hai? Ishan, my question is what percentage and when I have to book profits? What percentage and when I have to book profits? Okay. देखो वापस आ गए प्रॉफिट पे.
तुमको ऐसी एक मेथोडोलॉजी होनी चाहिए जिससे तुम्हारा एग्जिट का सिग्नल ट्रिगर हो जाए, ओके? और वो प्राइस एक्शन के बेसिस पे हो सकता है, तुम प्राइस एक्शन सीखो पहले। और जैसे मैंने कहा था कि कुछ मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस है तो उसके नीचे जाएगा तो एग्जिट मारने का, फिर देखने का वापस, ओके? इतना ही प्रॉफिट हुआ तो करने का, वो सब नहीं। हाँ, डे ट्रेडर हो तो शायद रख सकते हो प्रॉफिट बेस्ड टारगेट्स, यानी यू नो 1000 रुपए का रिस्क लूंगा, 2000 का प्रॉफिट लूंगा, वैसे कर सकते हो अगर तुम डे ट्रेडर हो तो। डे ट्रेडर एज अ डे ट्रेडर तुम रख सकते हो वैसे, लेकिन एज अ पोजिशनल ट्रेडर नेवर कीप प्रॉफिट टारगेट्स, ओके? कीप पॉइंट्स एंड कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस। उससे क्या होगा ना, तुम जितना इमेजिन भी नहीं कर सकते उतना प्रॉफिट आ सकता है। तानला में लोगों ने अगर बोला हाँ मेरा ये दुगना हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, तानला 100 से 280 हुआ, मुझे याद है एक सेशन में मैंने ये सब बोला था कि इतना जाएगा, 400 हो सकता है वगैरह, तो बाद में इमिडिएटली नास्टी कमेंट्स आ गए क्योंकि वो 240 से वापस 200 तक आ गया। अरे तुमने तो बोला था 280 जाएगा, फिर अगर 280 जाएगा तो 400 जाएगा, देखो अभी 200 रुपये आ गया। सो ऐसे होता है, बोला ठीक है भाई आ गया तो क्या करें, 198 पे वापस बाई किया। अब उसमें तुम प्रॉफिट टारगेट रखोगे तो क्या होगा, वो 1000 तक रुक पाओगे क्या? नहीं, वो 1000 रुपये हो गया भाई। देन अगर फिफ्थ वेव हो जाती है तो एग्जिट करो, अगर मार्केट फिफ्थ वेव कन्फर्म करता है तो एग्जिट करो, ओके? कुछ हैंगिंग मैन वगैरह आ गया टॉप पे, उसको उसका लो तोड़ दिया तो एग्जिट करो। तो प्राइस एक्शन के कोई कॉन्सेप्ट रखो, प्रॉफिट के टारगेट्स मत रखो, प्रॉफिट से एग्जिट मत मारो, अनलेस यू आर अ डे ट्रेडर एंड यू हैव सम फिक्स्ड। वो जो डे ट्रेडर को हम हमारे आस्था में ऐसे ही बोलते हैं, करते बहुत सारे करते हैं डे ट्रेडिंग, तो बहुत सारे करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन डे ट्रेडिंग के उसूल अलग होते हैं, के सिस्टम अलग होती है। तो उसमें वो इट्स लाइक प्लम्बर्स ना, रोज जाके कुछ करने का काम, डेली वेजेस पे लोग रहते हैं ना, वैसे वैसा नहीं करो। यू डेवलप अ साइकी टू बिकम अ पोजिशनल और लेट मार्केट वर्क फॉर यू, यू डोंट हैव टू वर्क फुल टाइम, डोंट हैव टू वॉच स्क्रीन फुल टाइम टू बी एबल टू बी सक्सेसफुल इन द मार्केट्स, ओके? एंड विद दैट नोट आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू ऑल एंजॉयड। इफ यू एंजॉयड प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन देयर। लेट मी अगेन रिमाइंड यू, देयर इज अ आई ओपनर ऑन 11th and 12th August, sorry, September, 11th and 12th September, conducted by me, one in English, one in Hindi, all right? And uske bare mein tumko link hai description box mein, wo zarur dekhna, please forward that link to your near and dear ones, okay? And do attend. Agar apne course bhi kiya, lekin agar apne eye-opener nahi kiya, to bhi attend karke dekho, aapko bahut bada fayda hoga. लोग होते हैं कि कभी कभी आई ओपनर नहीं किया, अरे आई ओपनर करने से भी फायदा होता है। लोग ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आई ओपनर करके कुछ प्रॉफिट्स किए, okay, वो अभी एसएमएम में एनरोल किया उन्होंने, लास्ट टाइम उसका कमेंट आया था मुझे कि सर आपका आई ओपनर किया, मैं एसएमएम रोल एनरोल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इतना 10,000-12,000 कुछ प्रॉफिट किया था। सो डू इट, वी विल ऑल्सो बी टेलिंग यू मोर अबाउट आस्था, यू नो, आफ्टर द टीचिंग पार्ट इज ओवर। सो डू अटेंड एंड सी इफ यू वॉन्ट टू जॉइन विद आस्था फॉर अ मच लॉन्गर and larger journey and a better purpose. All right. So thank you so much for being there. And I enjoyed this session. I hope you did. So please click on the like button and notify button bhi click karo, bell icon jo hai na, ek bell rahega, udhar bhi click karo taki aapko notifications aa jaye. And please share the link in the description box with your near and dear ones. Thank you so much. Thank you. All the best. Sir, if any question has remained unanswered, comment box में आप questions डालिए, chat box में अगर answer नहीं हुआ है तो ये video end होने के बाद comment box open हो जाएगा, तो comment section में आपके questions डालिए, so that we can take it on the next Thursday. Yes. Perfect. Thank you so much. Bye bye.